few moments later. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं निकला हूँ फिर नए सफ़र के लिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, दांडी में मिलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सफ़र पर। ठीक है गाइस, लोग काम बताओ। नमस्कार दोस्तों, देखिए तीतावन मोहाली में ये विद्यालय है पराग ज्योति का, बहुत फेमस है, समझो जाने बहुत अच्छा विद्यालय है। तीतावन मोहाली के मोहाली में पढ़ता है कि समझो जाने, तो ये आपको वीडियो दिखा रही हूँ, पराग ज्योति का महाविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ। A few moments later. देखिए दोस्तों, मेरा पानी में काम कर रहा हूँ क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, क्या करूँ समझे ना, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है बाजार, अब क्या करिए, उपाय नहीं है। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है दोस्तों, समझेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड, क्या बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे सफर पर। बाय बाय। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर दो चार माल दिया हूँ ये दुकान में, दो एक ठो दुकान में माल, समझे क्या नहीं। और आज बाजार भी ठंडा है पूरा, क्या करिए, उपाय नहीं है, और ठंडा भी पड़ रहा है। और अभी 3 बज गया, खाना भी नहीं खाया, मैं आगे जाकर अभी थोड़ा देरी बाद खाना खाता हूँ, समझे क्या नहीं। जो सकता हूँ आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मेरा स्कूटी हो गया, समझे क्या नहीं, ये रास्ता। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलूंगा सफर पे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये आपका भोलेनाथ के मन में चढ़ता है धतूरा, धतूरा फूल का गाछ है। देखिए यहाँ पर जगह जगह ये धतूरा फूल का गाछ लगता है इस जगह में, ये भोलेनाथ जी का इतना सुंदर दृश्य है। देखिए फूल सब, देखिए धतूरा, ये मेरा दोस्त का घर में लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मेरे को काजू लंग के अंदर भी काम करना पड़ता है दोस्तों, ये देखिए रात रात को भी आना पड़ता है दोस्तों, काजू लंग के अंदर ही पड़ता है दोस्तों, समझे क्या। शायद तीन बज गई है, मैं कुछ खा लेता हूँ दोस्तों, समझे क्या। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ये अचार हो गया मेरा, ये खीरा का सब्जी, ये परोठा, समझेगा नहीं। आज थोड़ी देरी हो गई, मार्केट भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा इधर ठंडा पड़ रहा है, समझेगा नहीं दोस्तों, क्या करें, उपाय तो नहीं है, मेरे को तो घूमना तो पड़ेगा ही, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, समझेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आपको आपसे सफर में मिलूँगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। A few moments later. बहुत बड़ा पहाड़ है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, देखिए दोस्तों पूरा जंगल है उसमें, ये देखिए दोस्तों,
पूरा आपका पहाड़ का इलाका है दोस्तों, समझे क्या नहीं? अभी दोस्तों यही मेरे को 4:30 बज गई दोस्तों, समझे? आज फिर देरी हो गई मेरे को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सपड़ पे। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर घर के आगे आसाम में ऐसे लाई की खेती होती है, देखिए वो पत्ता गोभी की है, बंधा गोभी, ये देखिए वो ऊल गोभी है, बहुत कितना सुंदर लग रहा है देखिए दोस्तों। सारी पत्ता गोभी, लाई सब्जी, ये देखिए ऊल गोभी, ये देखिए यहाँ घर के आगे ही यहाँ पर आसाम में खेती होती है और ये दीदी खेती करती है। ये देखिए मेरे को ऐसे ही रास्ता में मिल जाता है, खेती होती मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए कितना पत्ता गोभी हुई, लाई हुई, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे सफर में, बने रही मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये तामूल घास की खेती होगी दोस्तों, देखिए ये तामूल घास की खेती है, ये देखिए इससे तामूल होती है देखिए दोस्तों, और तामूल से ही सुपारी बनती है दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी खेती है, देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ी खेती है देखिए, इससे ही आपका तामूल बनकर मतलब तैयार होती है, उसका बाद ये तामूल गाछ की, यहाँ आसाम में इसको बोलता है तामूल सुपारी को, तामूल गाछ की खेती। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये हम लोग का मेरा पानी में पड़ता है, ये देखिए ये चाय पत्ती का बगीचा, देखिए इस पत्ते से ही आपकी चाय बनती है, देखिए दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ा ये बगान है चाय का, ये देखिए 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 दोस्तों, बहुत बढ़िया पत्ता है, इस पत्ता से ही चाय बनती है दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों, ये हर फिर शहर शहर में जाती है बाहर में, समझे क्या नहीं? बहुत बड़ा बगीचा है, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत बड़ा बगीचा है दोस्तों, देखिए ठीक है दोस्तों, सफर में मिलता हूँ, और शाम भी होगी दोस्तों, ये देखिए शाम भी होने वाली है अभी, देखिए दोस्तों अब आज यही 5:30 तो यही बज गई दोस्तों, आज भी देरी होगी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों, समझे क्या नहीं? और ठंडी हवा चल रही है, देखिए काला हो गया बादल भी पूरा काला। ठीक है दोस्तों, ठीक है सफर में मिलता हूँ, नमस्कार दोस्तों। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, ये देखिए श्री अनुकूल ठाकुर जी का मंदिर है दोस्तों, ये करीब कोरंगा में पड़ता है जी, करीब शिवसागर से सॉरी दोस्तों जोरहाट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। ये देखिए अनुकूल ठाकुर जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है जी, ये देखिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ सफर पे, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। दोस्तों
खराब थी दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों पूरी रात होगी दोस्तों, क्या करें आपको, तो इसी रास्ता से आना जाना करना पड़ता है। 7 बज गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है दोस्तों, समझे क्या ना। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलूँगा आपको सपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ टी टावर आपका यहाँ नोवाली, समझे क्या नहीं। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है जोरहाट टाउन दोस्तों, समझे क्या नहीं। और 7 बज गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, देखिए आज मौसम भी बहुत ठंडा है दोस्तों, समझे क्या नहीं। और मेरी तबीयत भी इतना ख़ास ठीक नहीं है दोस्तों, समझे क्या नहीं। वही आपसे डायरेक्ट अब जोरहाट टाउन में मिलूँगा दोस्तों, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। A few moments later. तो ये देखिए बारिश हो रही है, later. नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैं अभी भी आया हूँ घर में, पूरा बारिश ही बारिश, समझे क्या नहीं। ये देखिए पूरा बारिश दे रहा है, देखिए दोस्तों बहुत ठंडा, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा मेरा को, समझे नहीं। अभी भी घर पहुँचा हूँ, ये मेरा बैग हो गया, ये लाइट भी इस साइड में नहीं है, मेरा पूरा बैग भीग गया, देखिए दोस्तों क्या करें, उपाय नहीं है, समझे क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर नए ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों, पूरा भीज गया मैं भी, ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, राम राम।